अपने लाइफ में दो ही चीज़ों को सपोर्ट किया है मैंने। फर्स्ट, आई सपोर्ट इंडियन आर्मी, यस आई स्ट्रांगली सपोर्ट इंडियन आर्मी। एंड देन आई सपोर्ट खान सर, यस आई स्ट्रांगली सपोर्ट खान सर। भाई बहुत सारे क्रिटिसिज्म चल रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं खान सर के बारे में, बट खान सर यू आर द ग्रेट, नो वर्ड्स टू से एनीथिंग। और जैसा आप एक्सप्लेन करके बताते हो ना, Nobody can explain the way you explain, कोई ऐसा बता नहीं सकता जैसा आप बताते हो। कोई भी टॉपिक उठा करके देख लो, या टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, पहला ऐसा आप बंदे हो ना सर जिसका वीडियो स्किप करने का मन नहीं करता है। और अकेला इस कैटेगरी में मैं नहीं हूँ, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अरबों लोग आपके फैन हैं। वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि अरे उनका लैंग्वेज ऐसा है, भाई वो लैंग्वेज ही तो कमाल है। वो कहते हैं ना कि देशी देशी ना बोले कर छोरी रे, इस देशी की फैन ये दुनिया हो रही है। सर आपका फैन पूरे दुनिया हो रहा है। और पहले तो मैं बता दूं, सबसे पहले मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर आपके होने जा रहे हैं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना लाइमलाइट में आने के लिए, अपना चैनल चमकाने के लिए कुछ इस प्रकार के नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो ठीक है, खैर उसका भी धंधा पानी चल रहा है। बट सर एक हफ्ते से आपका इंतजार हो रहा है, आप नहीं आ रहे हो, तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, दिस इज अ डीप एंड हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सभी के तरफ से आई डीपली रिक्वेस्ट यू सर कि प्लीज़ कम ऑन योर चैनल और आप पढ़ाओ। क्योंकि सर सच बता रहा हूँ ना कि जो नहीं पढ़ने वाले लोग हैं ना, उनकी भी तादाद इतनी है कि वो सब इंतजार में बैठे कि खान सर कब आएंगे। और मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, मेरे साथ जॉब में थे उज्जास एनर्जी लिमिटेड में, महेंद्र रघुवंशी। अभी 4-5 दिन पहले उनका फ़ोन आया कि शादी कहाँ हुई। मैंने बोला पटना। अच्छा, खान सर के शहर में शादी किया, तब तो भाभी जी भी बहुत रिस्पेक्टेड है, उनको मेरा नमस्ते बोलने का। मैं ज़रूर अपने लाइफ में एक बार खान सर से पटना मिलने जाऊँगा। आई एम ट्रूली स्पीकिंग यू सर, यू आर द ग्रेट और आपका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप हीरा नहीं हो, डायमंड नहीं हो, क्योंकि डायमंड बहुत सारे, आप कोहिनूर हो, एक ही पीस है। तो सर मैं आपसे यही कहूंगा कि जितना जल्दी संभव हो सके, एज सुन एज पॉसिबल, कम एंड एजुकेट इंडिया, एजुकेट द वर्ल्ड। और आपके जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने भी लेक्चर होते हैं, वो बड़े शानदार होते हैं। अभी ये इसी बात का बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है कि आपने बोल दिया कि पंचर साटेगा, नहीं पढ़ाई लिखाई करेगा तो पंचर साटेगा। जाहिर है, छोटे बच्चे को किसी नारेबाजी में लगा दोगे तो उस बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जाहिर है वो पंचर साटेगा। सही बोला आपने, पर प्रॉब्लम कहाँ है सर? प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है अपने यहाँ का कि वो कहावत है कि आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता। सच में कुछ नहीं आता जाता ना, तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, वो अच्छा करके आगे बढ़ नहीं सकता। तो किसी को पीछे खींचने के लिए, किसी का टांग खींचने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो इसी में लगे रहते हैं। आपका जो वीडियो था वो 24 अप्रैल को रिलीज हुआ था और बाकी मई में इसके ऊपर में मुद्दा खड़ा कर दिया गया। तो इससे जाहिर है सबको साफ साफ पता चलता है कि ये कोई रूमर नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है, इसे बनाया गया है कुछ लोगों के द्वारा और ये ऐसा एक माइंडसेट पाया जाता है। और एक बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगा प्यारे दोस्तों, जितना संभव हो सके अपने लाइफ में नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें। ये आपको कुछ नहीं, कुछ देर के लिए हो सकता है आपको लाइमलाइट मिल जाए, बहुत बड़ा फेम मिल जाए, लेकिन नेगेटिव चीज़ का बहुत बड़ा लाइफ नहीं होता है, इसकी उम्र बहुत कम होती है। नकारात्मक जो भी चीज़ें होती है उसकी उम्र बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, और सकारात्मक चीज़ की कोई सीमा नहीं होता, देर इज़ नो लिमिट ऑफ पॉजिटिवनेस। सो गाइज, आप जितना हो सके पॉजिटिव एनर्जी में जिए। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, किसी भी बात को पूरा सुने, क्योंकि अधूरा ज्ञान सच में खतरनाक होता है। आपने कई दफ़ा सुना होगा, अ लिटल नॉलेज इज़ अ काइंड ऑफ डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान जो है खतरनाक सोच के बराबर होता है। किसी ने 10 मिनट के वीडियो में या 20 मिनट के वीडियो में क्या क्या बोला है, उस वीडियो का क्लिप निकाला जाता है 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, तो उससे कुछ नहीं पता चलता है। प्यारे दोस्तों, वी आर लिविंग द एज ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं। क्लिप से कुछ नहीं होता, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड के क्लिप से कुछ नहीं होता। अगर आपको सच में किसी भी बात की जानकारी लेना है तो वो क्लिप कहाँ से उठाया गया उसमें थोड़ा सा रिसर्च करें, तब आपको पूरा पूरा पता चलेगा। इससे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका क्लिप चला दिया जाता है, उसके विषय में जो है सो नेगेटिविटी फैलाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग इन चीज़ों से बचें और मेरे तरह खान सर का आप भी सपोर्ट करें। अगेन आई स्ट्रांगली सपोर्ट खान सर एंड आई डीपली रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज कम ऑन योर चैनल एंड एडुकेट इंडिया, एडुकेट द वर्ल्ड। वी ऑल रिस्पेक्ट यू अलॉट।
एंड वन मोर थिंग, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ इस तरह आन बान शान बाकी है, अभी तुम्हारे सपनों का अधूरा मकान बाकी है, और वक्त तो वक्त होता है, वक्त के साथ ऊंचाइयों पे पहुंच के कभी कोई गुरूर मत करना, क्योंकि तुम्हारे सफर का अभी ढलान बाकी है, और ये वक्त पलट कर कभी भी वार कर सकता है, क्योंकि लहू लुहान फरिंदे में अभी जान बाकी है, लहू लुहान फरिंदे में अभी जान बाकी है। प्यारे दोस्तों, आप सभी से मेरी गुजारिश है, दिस इज़ माई हम्बल एंड डीप रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ आप जितना संभव हो सके नकारात्मक एनर्जी से बचे, ये आपको पूर्ण रूप से ख़त्म कर देगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Thank you.